क्या आपको पता है दोस्तों कि इसराइल में खेती लायक जमीन की काफी कमी है, लेकिन इस कमी को इसराइल के लोगों ने कैसे दूर किया है ये सुनकर आप भी कहेंगे कि वास्तव में ये तो कमाल है। वहाँ पर हॉरिजॉन्टल नहीं बल्कि वर्टिकल फार्मिंग की जाती है, यानी कि गेहूं, धान, सब्जियां नीचे जमीन पर नहीं बल्कि दीवारों पर उगाई जाती है। अब आप कहेंगे कि वास्तव में ये तो कमाल है, लेकिन सवाल ये है कि दीवारों पर मिट्टियां कैसे आती हैं और टिकती कैसे हैं? तो ऐसे में मैं आपको बता दूं कि दीवारों पर की गई खेती मिट्टी से नहीं बल्कि पानी व हवा से की जाती है, जिसे हाइड्रोपोनिक और एरोपोनिक टेक्निक कहा जाता है। हाइड्रोपोनिक टेक्निक में पौधों की जड़ों को पोषक तत्वों से भरपूर पानी में डुबाया जाता है, और ऐसे ही एरोपोनिक टेक्निक में हवा में पोषक तत्वों को छिड़का जाता है, जिससे पौधे अपनी आवश्यकता अनुसार पोषक तत्व प्राप्त कर सके और उगाए जा सके। तो है ना इंटरेस्टिंग, कैसी लगी ये जानकारी मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू।